सो हे देयर बॉयज एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। एंड गाइस अभी जब मैं वीडियो बना रहा था अभी पोकेमॉन जर्नीस का एपिसोड 92 आ चुका है एंड एपिसोड 93 का प्रीव्यू भी आ चुका है, तो मैंने सोचा एपिसोड 93 का जो प्रीव्यू आया गाइस उसकी ब्रेकडाउन वीडियो बना जाए। लेकिन तभी गाइस मुझे एक और बात पता चली कि अभी एक पोकेमॉन का स्पेशल प्रीव्यू आया गाइस जिसके अंदर आने वाले 5 एपिसोड के सीन्स है, तो मैंने सोचा ये बाद में करेंगे, सबसे पहले जो स्पेशल प्रीव्यू है उसका ब्रेकडाउन किया जाए। सो गाइस आज की इस वीडियो में जो स्पेशल प्रीव्यू है उसका हम ब्रेकडाउन करने वाले हैं। उसके अंदर गाइस मुझे लगता है आने वाले 5 से 6 एपिसोड के सीन है, तो मैं आपको हर सीन पे बता दूंगा कि ये कौन से एपिसोड का सीन होने वाला है एंड कौन से एपिसोड में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम वो स्पेशल प्रीव्यू देखेंगे एंड उसके बाद उसका अच्छे से प्रॉपर ब्रेकडाउन करेंगे। एक छोटी से छोटी डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस आज की वीडियो काफी ज्यादा ऑसम होने वाली है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। सो गाइस बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो गाइस स्टार्टिंग में जैपनीज में कुछ आ रहा है ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं क्योंकि मुझे जैपनीज नहीं आती यार। लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है इसका मतलब होता है 14 जनवरी, क्योंकि 14 जनवरी को आने वाला है एपिसोड 93 जिसका प्रीव्यू आज आया है, लेकिन इसका ब्रेकडाउन हम बाद में करेंगे क्योंकि पहले स्पेशल प्रीव्यू में देखना चाहता था। तो गाइस ये जो मैग्नेट वाला एपिसोड है ये ही एपिसोड 93 जो कि 14 जनवरी 2022 को आने वाला है। गाइस शायद से ये एपिसोड 93 है, ये एपिसोड 93 है नहीं, शायद से एपिसोड 94 है गाइस जिसके अंदर हेरोक्रॉस और पिंसर रहने वाले हैं। और गाइस ये पिकाचू और ग्रुकी कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं आ रहे भाई। और ये आप पीछे देख सकते हो गाइस ये गलारियन स्लोपोक है और ये नॉर्मल स्लोपोक है जिन्होंने एक दूसरे की पूंछ पकड़ी यार, पता नहीं यार क्यों क्या हो रहा है भाई। हाँ सो गाइस मैंने कहा था कि ये एपिसोड 94 ही है जो कि बेसिकली रहने वाले गो के हेरोक्रॉस एंड गो के पिंसर के ऊपर, एंड यहाँ से शायद से ये जो पोकेमॉन है इसने इस पर अट्रैक्ट कर दिया क्योंकि ये एकदम पागल हो गया यार प्यार में। गाइस पिंसर को ये देखकर बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, आय हे दर्द, और ये रोते हुए जा रहे हैं भाई। गाइस पीछे से एक मिनट यार, पीछे से ऐश देख रहा था शायद से, एक मिनट पीछे लेते हैं भाई। जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से गो एश एंड पिकाचू तीनों ये सब तमाशा देख रहे हैं भाई, शर्म भी नहीं आती इनको। गाइस एपिसोड 94 ऑफ एपिसोड 95 का है सीन ये, क्योंकि गाइस इसमें ये मुझे कैसिडी लग रही है भाई। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बूच है, पीछे कैसिडी भी थी, यहाँ पे टीम रॉकेट है, और एपिसोड 95 का सीन है गाइस क्योंकि एपिसोड 95 जो पूरा का पूरा टीम रॉकेट के ऊपर रहने वाला है। और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो गाइस यहाँ पे एक फीमेल म्याउथ भी है भाई, जिसने बेसिकली देख सकते हो यार क्योंकि ये जो नॉर्मल म्याउथ है और ये फीमेल म्याउथ है, किसने उसने जो बो टाइप रहता है ना जो लड़के पहनता है वैसे कुछ पहना नहीं। यहाँ पे बूझ भी है जो कि यहाँ पे बेसिकली मुझे लगता है फिर भी कहीं चीट फंड स्कीम जैसे फिर हेरा फेरी में वो चलाते थे गाइस, वैसे ये आपको पता होगा पोकेमॉन यूनिवर्स में अलग अलग स्कीमें चलाकर पोकेमॉन गुल करते हैं, और यहाँ पे भी वो कुछ वैसा ही कर रहे हैं। पीछे हमें कैसिडी भी देखने को मिली जो कि बिल्कुल भी नहीं बदले गाइस, वो माइक हे यो कर रहे भाई, और ऐसा कुछ पहले भी हो चुका है। इसके पहले भी एक एपिसोड के अंदर जो है ऐश के सर पे ऐसा एक शेल्डर चढ़ा था, लेकिन वो नॉर्मल वाला शेल्डर था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे दोनों के सर के ऊपर एक शेल्डर चढ़ चुका है जो कि उन्हें शायद से काइंड ऑफ कंट्रोल कर रहा है भाई। और ये हे यो कर रहे भाई, शायद से कोई कॉम्पिटिशन चल रहा है बेसिकली। यहाँ पे आप गो के हाथ में देख सकते हो तो स्पून टाइप होता है ना, ये कुछ बेस्ट तरह से नहीं किसी तो स्टेज के ऊपर ये मतलब कम्पीट करे यार, पता नहीं यार शायद मुझे लगता है एपिसोड 96 का सीन है क्योंकि इसमें जो अलग आने वाले सारे एपिसोड के तो सबसे पहले 93 का था, उसके बाद 94, उसके बाद 95, तो ये एपिसोड 96 का सीन हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक जल्टियन है और एक फ्लेरियन है जो कि काफी ज्यादा मतलब मुझे लगता है ये कोई कॉन्टेस्ट का एपिसोड रहने वाला है, ये भी मुझे लगता है 96 का ही सीन है। एक मिनट गाइस अगर ये मैं सही पहचान रहा हूँ तो गाइस ये 100% एरिका है क्योंकि इसके पास एक लिफियन भी है, और लिफियन मतलब ग्रास टाइप, एंड ये जो कीमोन है गाइस मैंने अब तक एनिमे में सिर्फ ऐसा देखा है गाइस एरिका के पास। सो गाइस मुझे लगता है एपिसोड 96 या फिर एपिसोड 97 कोई भी ये सीन हो, लेकिन इसके अंदर ये इसका लिफियन है, इसका मतलब गाइस एरिका वापस से रिटर्न करने वाली है गाइस, शायद से एपिसोड 96 या फिर 97 में एरिका वापस आने वाली है, उसके पास एक नया पोकेमॉन जो कि गाइस लिफियन। ओ भाई जैसे आप कोहरू देख सकते हो काइंड ऑफ इसने कॉन्टेस्ट जैसे कपड़े पहने, जैसे गाइस हर बार हम देखते हैं इस कॉन्टेस्ट में जो बंदा होता है वो नॉर्मल से अलग कपड़े पहनता है। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कोई तो बहुत बड़ा टूर्नामेंट रहने वाला है, फिर एक कॉन्टेस्ट कह सकते हो या फिर कुछ भी कह सकते हो, स्टेज कॉम्पिटिशन जिसके अंदर आप देख सकते हो पीछे के बैकग्राउंड से ही पता चलता है, जहाँ पे ये देख सकते हो कोहरू और उसका ईवी जो है कम्पीट कर रहे हैं, और इन्होंने ईवी के गले में कुछ तो अलग लॉकेट टाइप है भाई।
ओ भाई ये तो गलार की जिम लीडर, इसका नाम है गाइस मोरनी, ये गलार की एक जिम लीडर है, एक डार्क टाइप जिम लीडर यार। तो गाइस ये भी रिटर्न करने, मतलब ये भी अपियर होने वाले एपिसोड 97 में शायद से, मुझे एपिसोड 97 ही लग रहा है। मुझे लगा ही था अगर मोर नहीं है तो पियर्स भी होगा गाइस, आपको मैं बता दूं ये भी गलार का जिम लीडर है, दोनों एक ही जिम लीडर है, मतलब एक ही जिम में दो जिम लीडर है भाई। और गाइस ये भी काफी सही, मतलब एकदम कूल एकदम बैडेस बंदा है भाई ये पियर्स भी, जिसके पीछे मुझे रेला बूम लग रहा है शायद, ये रेला बूम पोकेमॉन, इसके पीछे आप देख सकते हो गाइस ये पूरा का पूरा कवर कर दिया इसने, इसलिए पीछे वाला पोकेमॉन नहीं दिख रहा। ओ गाइज और ये देख सकते हो ये एपिसोड बेसिकली 96 का ही सीन है, जिसके ऊपर आप देख सकते हो ऐश के ऊपर वो क्या बोलते हैं इसको यार, गलारियन शेल्डर है। एंड गाइज इसके साथ जो स्पेशल प्रियो था वो होता है खत्म। तो गाइज यहाँ पे स्पेशल प्रियो खत्म हो गया, लेकिन यहाँ से आगे अब हम उस स्पेशल प्रियो का एक स्पेशल ब्रेकडाउन करने वाले हैं। हर एक सीन पे मैं आपको बताता चलूंगा कि ये कौन से एपिसोड का सीन है। एंड हमने बहुत से कैरेक्टर देखे इस प्रीव्यू के अंदर जो कि डेब्यूट करने वाले हैं या फिर जो है उनका रिटर्न होने वाला है, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा कि वो कौन से कैरेक्टर में डेब्यू करने वाले हैं या फिर वो कैरेक्टर कौन से मतलब एपिसोड के अंदर रिटर्न करने वाले। सो गाइज चलिए करते हैं स्पेशल प्रीव्यू का एक स्पेशल ब्रेकडाउन। तो गाइस स्पेशल प्रीव्यू के सबसे स्टार्टिंग वाले सीन में हमने देखा गाइस मैग्नेमाइट के एक झुंड को। सो गाइस ये आपको बताने की जरूरत नहीं गाइस, ये एपिसोड 93 का सीन है जिसका प्रीव्यू गाइस आज आ चुका है। तो गाइस उसके ब्रेकडाउन के अंदर ये सब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसका ब्रेकडाउन भी कल आ जाएगा। सो गाइस एपिसोड 93 के बारे में मैं और बात नहीं करूंगा, सीधा गाइस बात करते हैं नेक्स्ट सीन की। एंड उसके अगले वाले सीन में हमने देखा गाइस पिकाचू एंड ग्रूकी को जो कि एक दूसरे को झप्पिया शप्पिया दे रहे थे। सो गाइस हमें ये देखकर ही पता चलता है कि किसी ने इन पे अट्रैक्ट अटैक यूज़ किया है और ये किसने किया इसे हमने अगले सीन में देख लिया। ये एक जो पोकन था, इस पोकन का मुझे फिलहाल नाम याद नहीं, इसने जो है बेसिकली हेरोक्रॉस पे भी स्वीट सेंट या फिर अट्रैक्ट यूज़ कर दिया, जिसकी वजह से जो हेरोक्रॉस गाइस उस पोकन के प्यार में पागल हो गया। ये सब देखा गाइस पिंसर ने जो कि ये देखकर वो रोने लगा एंड वहाँ से भाग गया। सो गाइस ये वाला एपिसोड रहने वाला एपिसोड 94। एंड गाइस ये एपिसोड जो है बेसिकली ऐश मतलब सॉरी गो के पिंसर एंड गो के हेरोक्रॉस के ऊपर ये पूरा का पूरा एपिसोड फोकस्ड रहने वाला है। सो गाइस इसके बाद वाले सीन में हमने देखा गाइस कैसिडी को जो कि अभी भी टीम रॉकेट के साथ ही होगी, क्योंकि गाइस वो टीम रॉकेट के मेंबर चेंज गए। ये देखने के बाद मुझे पता चल गया कि ये एपिसोड 95 का सीन है, क्योंकि गाइस पोकन जेनिस का जो एपिसोड 95 गाइस वो पूरा का पूरा टीम रॉकेट के ऊपर रहने वाला है। एंड उसके अंदर दो टीम रॉकेट रहने वाली है, एक जेसी एंड जेम्स वाली और एक कैसिडी और बूच वाली। और इस वाले सीन में हमने एक और चीज देखी जो कैसिडी और बूच है गाइस, उसमें से जो बूच है गाइस उसके पास वाले हमने एक देखी गाइस फीमेल माउथ, क्योंकि उसने बो वाला पहना था गाइस, मतलब जो लड़कियां पहनते हैं। सो गाइस मुझे पता है ये जो पूरा का पूरा टीम रॉकेट के ऊपर रहने वाला है, टीम रॉकेट क्या करेगी मुझे ये तो पता नहीं, लेकिन इस एपिसोड के अंदर मैं क्या करने वाला ये मुझे पता है। एंड गाइस उसके बाद वाले सीन में हमने देखा गाइस ऐश एंड गो को जो कि दोनों जो है स्टेज के ऊपर थे एंड कुछ तो कम्पीट कर रहे थे। दोनों के हाथ में था गाइस एक स्पून एंड दोनों के सर के ऊपर था गाइस शेल्डर, एक के सर मतलब गो के सर पे नॉर्मल वाला शेल्डर एंड ऐश के सर पर था गाइस गलारियन शेल्डर। गाइस वो दोनों कंट्रोल कर रहे थे गाइस, ये दोनों जो स्टेज के ऊपर कुछ तो कम्पीट कर रहे थे, जैसे कि हमने वीडियो के अंदर देखा ये दोनों हे यो कर रहे थे, इसका मतलब मुझे पता नहीं। और इस एपिसोड के बारे में फिलहाल हमारे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। एंड अगले सीन में हमने देखा गाइस एक जोल्टियन और एक फ्लेरियन को, एंड देखने से मुझे लगता गाइस जो ऐश एंड गो का एपिसोड था गाइस ये उसी एपिसोड का सीन यानी कि एपिसोड 96 का, क्योंकि इन दोनों के कपड़ों से मुझे लगता है कि ये दोनों भी किसी कॉन्टेस्ट के अंदर पार्ट ले रहे होंगे, यानी किसी ट्रेनर के पोकन होंगे। एंड ऐश एंड गो भी एक कॉन्टेस्ट के अंदर थे, तो मुझे लगता है एपिसोड 96 का ही सीन है। एंड गाइस इसके बाद वाले सीन में जो मैंने देखा गाइस ये पूरे स्पेशल प्रीव्यू का मुझे सबसे अच्छा सीन दिखा, क्योंकि इस वाले सीन में हमने देखा गाइस लिफियन को जिसके साथ उसका ट्रेनर था या फिर मैं कहूँ ट्रेनर थी एंड जो कोई और नहीं गाइस ये ट्रेनर थी गाइस ग्रास टाइप जिम लीडर केंटुकी ग्रास टाइप जिम लीडर एरिका गाइस। इसके आप कपड़े देख सकते हो जो कि किमोनो है। एंड गाइस उसके साथ उसका एक न्यू पोकन है लिफियन। एंड अगर आपको भी अभी डाउट है कि ये एरिका कैसे भाई, तो आप सीन के ऊपर देख सकते हो एक साइड में मैंने वो स्पेशल प्रीव्यू वाला सीन डाला है एंड एक साइड में जो ओरिजिनल एरिका गाइस उसके कपड़े आप देख सकते हो। दोनों के कपड़े के ऊपर जो है ब्लू कलर की पॉकीबॉल बनी हुई है जो कि आप बुक टाइप देख सकते हो जिसके ऊपर पॉकीबॉल है। एंड आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो गाइस दोनों एकदम सेम है गाइस, ये कोई और नहीं है गाइस एरिका। एंड बात करें गाइस एरिका कौन सी एपिसोड में अपडेट होगी, तो मुझे लगता है एपिसोड 96 या फिर एपिसोड 97 के अंदर, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं एपिसोड 96 में हो सकती है या फिर एपिसोड 97 में हो सकती है। यार क्या होता है यार, मतलब न्यू कैरेक्टर मतलब ओल्ड वाले कैरेक्टर रिटर्न करने वाली इतना ही बहुत है यार, कौन से एपिसोड में करेंगी वो बाद में देखेंगे। एंड गाइस इसके बाद वाले सीन में हमने देखा गाइस क्लोई को जो कि गाइस स्टेज के
ऊपर कुछ तो परफॉर्म कर रही थी। एंड देखने से मुझे एपिसोड 96 से ही लग रहा है, या फिर 97 भी हो सकता है, क्योंकि ये वही वाला स्टेज लग रहा है मुझे, जैसे कि हमने देखा गया आयश एंड गो को कम्पीट करते हुए स्टेज के अंदर, या फिर एक मुझे कुछ स्टेज अलग लग रहा है, तो गाइस ये उसी एपिसोड का सीन हो सकता है, या फिर एपिसोड 97-98 का सीन हो सकता है, जिसके अंदर जब कोहरू शायद से यानी कि क्लोई कोहरू दोनों एक ही यार मतलब कोई स्टेज के ऊपर कोई कुछ तो परफॉर्म कर रही होगी, या फिर ये पोकेमोन कॉन्टेस्ट के अंदर इसने पार्टिसिपेट किया है। पोकेमोन कॉन्टेस्ट के मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि पीछे वाला बैकग्राउंड जो है पोकेमोन कॉन्टेस्ट जैसा ही लग रहा है। एंड गाइस उसके बाद वाले सीन में हमने देखा गाइस दो न्यू कैरेक्टर्स का डेब्यूट। सो गाइस ये दोनों कैरेक्टर के जो लड़की है गाइस उसका नाम है मोर्निया, जो लड़का है गाइस उसका नाम है पियर्स। सो गाइस ये दोनों के आउटफिट आपको सेम ही लग रहे होगा, क्योंकि दोनों जो है गाइस गलार के एक जिम के लिप जिम लीडर है दोनों के दोनों। जी हाँ, दोनों एक जिम लीडर है गाइस, डार्क टाइप जिम चलाते हैं दोनों के दोनों। एंड दोनों इस कैरेक्टर के अंदर मतलब इस एपिसोड के अंदर जो है दोनों जो है एनिमे के अंदर डेब्यूट करने वाले। सो गाइस शायद से ये उसी टूर्नामेंट का सीन लग रहा है गाइस, क्योंकि जो है ये जो लड़की थी यानी कि मोर्नी वो जो है ऊपर किसी को देख रही थी, मुझे लगता है ये कोहरू को देख रही होगी। एंड एक वाले सीन में जो था गाइस पियर्स वो जो है उस मतलब जो स्टेज होते गाइस मुझे लगता है उसे गाइड कर रहा हो, जो मतलब उसको क्या बोलते हैं यार, जो मतलब जो जिसको कोई कॉन्टेस्ट चल रहा हो तो बीच में आकर बोलता है यार, वो जो भी है गाइस वो कर रहा है। एंड मुझे लगता है कि एपिसोड 96-97 यार मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि इसमें आधे से ज़्यादा सीन एपिसोड 96 या फिर 97 के ही है। एंड गाइस एक एपिसोड में इतने बड़े दो कैरेक्टर डेब्यूट करने वाले हैं, तो इनका छोटा रोल नहीं रहने वाला। मुझे लगता है इनमें से एक की यानी कि शायद से मोर्नी वर्सेस ऐश की बैटल हो सकती है, या फिर पियर्स वर्सेस ऐश की बैटल हो सकती है। जो भी है गाइस इन दोनों में जो बैटल होगी गाइस काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है, ऐश हमें फिर से एक्शन में देखने को मिल सकता है मॉर्निंग वर्सेस पियर्स दोनों में से किसी एक के साथ, तो ये बैटल काफ़ी ज़्यादा औसम होने वाले, या फिर कैसे वो डबल बैटल भी हो सकती है यानी कि मॉर्निंग वर्सेस पियर वर्सेस हमारा एकलौता ऐश। आपको क्या लगता है आप अपने मेन कमेंट्स में शेयर कर सकते हो, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन रह गया तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। इसके अगर कैसे आप में से बहुत से लोगों के अगर डाउट सॉल्व नहीं होते, इसके एक और मैं वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं और भी क्लियर मतलब सब कुछ बता दूंगा आपको। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है ऐसी एक और न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू।